हाय बुकपीडिया में आज हम एक मजेदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक है वीक प्लेयर्स का फायदा उठाना। मोस्टली बुकपीडिया में हम बात करते हैं कार्ड्स के बारे में, पर आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिकली खेलने के बारे में। याद रखें, दी स्ट्रेटेजीज विल ओनली वर्क इफ यू आर अ वेरी ऑब्जर्वेंट प्लेयर। जब आप पूरे टेबल पर चौकन्ने होकर सब प्लेयर्स के प्ले स्टाइल को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद ही वीक प्लेयर्स को मार्क करके उनके अगेंस्ट या अग्रेसिव स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, तो पहली वीकनेस जिसका हम फायदा उठा सकते हैं वो है लिम्पिंग। बहुत से नए प्लेयर्स हर पॉट में घुस के फ्लॉप देखना चाहते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को अपनी रेंज वाइड करके रेज करें। चांसेस आर दे विल कीप फोल्डिंग टू योर क्रेज एंड बिसाइड्स द ब्लाइंड्स यू विल विन देयर बेट एज वेल। दूसरी वीकनेस है रेजिंग विद टू मेनी हैंड्स प्री फ्लॉप। अब ये वीक प्लेयर समझ गया कि लिम्प करने पर आप उसको बार बार रेज कर देते हैं, तो अब वो प्री फ्लॉप रेज करने लगा है, बट उसकी प्रॉब्लम वही है, प्री फ्लॉप फोल्ड ना कर पाना और जरूरत से ज्यादा हैंड्स एंटर करना। तो इनकी प्री फ्लॉप रेज को लिम्प की तरह ही ट्रीट करते हुए आप ज्यादा वाइड रेंज करके उन्हें आप थ्री बेट कर सकते हैं। एक बात का आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ये ओपोनेंट कितनी आसानी से फोल्ड करता है। अगर वो ऐसा प्लेयर है कि आपकी रेंज या थ्री बेट के बावजूद बार बार कॉल करता है, तो आपको अपनी रेंज थोड़ी टाइट करनी पड़ सकती है। और ये भी कोशिश करें कि ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट आप इन पोजीशन के लिए, क्योंकि तब आप पोस्ट फ्लॉप प्रेशर बनाकर भी उसे फोल्ड करा सकते हैं। तीसरी वीकनेस है प्लेइंग टू टाइट। अब आपने एक ऐसा प्लेयर स्पॉट किया जो सिर्फ 5 या 10% हैंड्स ही एंटर करता है। ऐसे प्लेयर्स को प्री फ्लॉप थ्री बेट करके फोल्ड कराया जा सकता है, पर अगर वो फ्लैट करके पॉट एंटर कर जाता है तो प्रोसीड ओनली व्हेन यू हिट द बोर्ड हेवीली। जैसे कि आप 8-9 सूटेड से एंटर हुए और आपने दो पेयर फ्लॉप कर लिए या स्ट्रेट फ्लॉप कर ली, ऐसे में आपकी हैंड की स्ट्रेंथ बहुत ही छुपी होती है, पर यह प्लेयर अपने मॉन्स्टर हैंड की पूरी वैल्यू लेने के चक्कर में एक बहुत बड़ा पॉट हार सकता है। मोस्टली अगर प्री फ्लॉप ऐसा प्लेयर आपको रीरेज करता है, इट्स बेस्ट टू गिव अप योर मार्जिनल हैंड। चौथी वीकनेस टू लुक फॉर इन अ प्लेयर इज इफ ही सी बट्स द फ्लॉप टू ऑफ्टन इवन आउट ऑफ पोजिशन। एट द सेम टाइम अगर ऐसा प्लेयर जो बहुत एक्टिवली फ्लॉप को सी बेट करता है अगर चेक करे तो बेट विद मोस्ट ऑफ योर हैंड्स। इफ ही इज ट्रैपिंग ही विल री रेज यू, अदरवाइज ही विल जस्ट फोल्ड एंड लेट यू टेक द पॉट। अपने अगले टूर्नामेंट में ये तरीके आजमाइए और बताइए कि आप कितने सक्सेसफुल हुए। तब तक देखते रहिए पोकरपीडिया, बढ़ाते रहिए अपना पोकर ज्ञान। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। प्ले रिस्पॉन्सिबली।